गुज़िश्ता से पैवस्ता। अभी तक आपने देखा कि नईमा की खालासाद बहन सालेहा की नईमा से रात भर गुफ्तगू जारी रहती है। कभी लगता है कि सालेहा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, मगर अगले ही पल नईमा फिर हत्थे से उखड़ जाती है। हाँ हाँ, मैं ही बेईमान हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमान, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी एक भी बात। रात भर चोर सिपाही का खेल जारी रहता है, इस कमरे से उस कमरे में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। सालेहा हर हर कदम पर उसका ताकुब करती, उसके हर सवाल का जवाब देती। अरे मैं कब कहती हूँ कि जीना जलेगा, पर अगर खाला जान ने नमाज का पास किया और उनको तुम्हारी बात बुरी लगी तो इसमें बेजा क्या हुआ। एक बार उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे मान जाएगी, मगर अगले ही पल वो अपने कपड़े संदूक में रखना शुरू कर देती है। आइए अब देखिए इससे आगे। अब आपके हुजूर हाजिर है किश्त ना हूँ, अब आपके हुजूर, ये तौबा तुन्नासू है डिप्टी नजीर की। रात का एक अच्छा खासा पहर गुजर गया, मगर दोनों ही हथियार डालने के लिए राजी नहीं थे। दोनों अपने मौकिफ पर अटल थे। कभी ऐसा लगता था कि सालेहा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, और कभी ऐसा लगता कि उसका दिल टूट गया है, अब वो नईमा को उसके हाल पर छोड़कर अपने घर चली जाएगी। हमीदा, अरे हमीदा, उठो हमीदा, गुड़िया उठो। हमीदा, अस्सलामुअलैकुम आपा। जीती रहो, खुश रहो, इतनी जल्दी सो जाया करती हो। अम्मी जान से पूछ लेती हूँ, और जब वो कह देती हैं वक्त हो गया है तो नमाज़े ईशा पढ़कर सो जाती हूँ। तुमने नमाज़े ईशा पढ़ी? सीख रही हूँ। बहुत अच्छे। तुमने कुछ खाया? भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। हमारी अम्मी जान ने खाना खाया? वो भी तुम्हारे साथ खाएंगी। और हमारी आपा जान ने? तुम्हें दुनिया जहान की क्या फिक्र, जिनको भूख लगी होगी आप खाना खा लेंगे। तुम खाना खा लो। हमारी आपा जान न खाएं और मैं खा लूं? अच्छा, अल्लाह के लिए आप किसी तरह नईमा आपा को समझाओ, उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, नन्ना दूध के लिए आंखें फड़क फड़क कर सो गया। हमीदा, इस तरह नहीं रोते, मैं उनको मना लूंगी, तुम खाना खाओ, आओ। क्यों साहिबा,
अब तो आप खुश हुई? आपने जो कहा मैंने कर दिया। खुश तो तब होती जब सुलह सफाई हो गई होती। अच्छा, तो अब क्या सुलह सफाई बाकी है? 10-5 दिन में बोलचाल भी होने लगेगी। 10-5 दिन? अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था कि कल पर रखो। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि कल से बोलने भी लगूंगी। तो खाक हुई सुलह सफाई? अभी नहीं हुई। खाना मैंने खाया, अम्मा जान ने खाया, हमीदा ने भी खाया, और तो और नन्ना दूध भी पी चुका है। अब बताओ इससे बढ़कर क्या सुलह सफाई होगी? पर सच तो ये है कि अब इस घर में मुझे अपना गुजारा मालूम नहीं होता। शायद अब मेरा जी लगना भी मुश्किल है। भला क्यों? मैंने तुमसे कहा नहीं कि पिछले 1 महीने से अब्बा जान का मिजाज, अम्मा के तेवर और घर का रंग ढंग सब कुछ बदला हुआ है। अब तक मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जब बड़े भाई जान तक को ना छोड़ो तो मैं बेचारी किस गिनती में आती? एक अम्मा जान का सहारा था, उन्होंने भी ऐसी दस्त दराजी की कि अब खुदा ही उनका हाथ रोकेगा तो रुकेगा, वरना छूटा तो है। अरे आपा, तुम बददिल क्यों होती हो? नमाज कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है कि जिसकी वजह से तुम्हें तमाम मुश्किलें महसूस होती हों। पर मेरी एक बात समझ में आती है कि तुम्हारे यहाँ चली जाऊं। अरे तुम ये सुनकर ऐसे दम बखुद हुई जैसे मैं सचमुच तुम्हारे घर जा रही हूँ। मैं तो तुम्हें आजमाने के लिए कह रही थी, वरना मैं तो न कहीं आऊं न जाऊं। ये तो क्या इससे बड़ी मुसीबत हो ना, तब भी नई मां बंदी किसी का एहसान न उठाए। तुमने ये नई और निराली अदा सीखी है, छेड़ छेड़ के लड़ना। जैसे ये मेरा घर वैसे ही तुम्हारा घर, पर मैं जिनकी बेटी हूं ना, तुम उनकी बेटियों से बढ़कर बेटी हो। और जाओगी तो अपनी खाला के घर जाओगी, और एहसान उठाओगी तो अपनी खाला का उठाओगी। अच्छा मैं पूछती हूँ कि अगर मैं खाला जान के यहाँ चली जाऊं तो वो कहीं मुझे घर से तो ना निकाल देंगे? तुम्हें यहाँ से कौन निकाल रहा है जो वहां से निकाल देंगे? पापा, अब तुम पता नहीं कैसी बातें करने लगी हो। एक माँ से क्या दुश्मनी हुई कि सारे कुंबे को अपना दुश्मन समझ बैठी हो? पर खालू जान तो गरीब आदमी है, और खाला जान मेरा खर्च कैसे उठाएंगी? इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि 10-20 दिन तुम्हें अपने घर ना रख सके। 10-20 दिन कैसा, मैं तो सारी उम्र के लिए जाती हूँ। खुदा ना करे कि तुम्हें सारी उम्र वहां रहना पड़े। अल्लाह तुम्हारा खुद का घर आबाद करे और तुम्हारी माँ के कलेजे को ठंडा करे। मैं भी यही सोच कर जा रही हूँ कि चंद रोज वहां रहूंगी तो अम्मा जान लड़ाई झगड़े की बात भूल जाएंगी, फिर बुलवा भेजेंगी तो चली आऊंगी। मेरे नजदीक वहां जाने में कोई बुराई तो नहीं, पर जाने से पहले खाला जान से इजाजत लेकर जाना। भला इतना सा काम तो मेरा नहीं कर सकती? तुम कहती हो तो कर दूंगी, पर क्या तुम खाला से रुखसत हुए बगैर चली जाओगी? और जाते वक्त तुमसे मिलोगी भी नहीं? जब हश्र का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। देखो बुआ, अगर तुम्हारे दिल में चोर हो ना तो पहले से कह दो। पता चला मैंने उनसे पूछा और ना हक मुझे शर्मिंदगी हो। भाई मैंने तुम्हें छेड़ने के लिए कहा था, ऐसा हो सकता है जाते वक्त मैं अम्मा जान से ना मिलूं? ठीक है, पूछ लूंगी, पर खाओ कसम। कसम? पक्का? पक्का। यहां से हिलना मत, मैं अभी आती हूं। अब ये बात साफ हो गई कि नईमा ने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है, मगर वो जाएगी कहां? जब देखो तब हवा हवाई हुई रहती है। ये देखो ये मेरा क्या हश्र कर दिया है। अरे ओ बेदारा, बड़बड़ाती कहां जा रही हो? आपा को देखा क्या? देखा है जी, बिल्कुल देखा है। ये देख तो रही हैं आप, 100 बार देखा है। ऐसा गुस्सा, ऐसा मिजाज ये कहीं नहीं देखा है। बी क्या है, आफत है आफत। अरे बात क्या हुई, कुछ कहेगी भी? अरे बात क्या हुई,
बक्सा लेकर नीचे उतरी तो मैंने टोक दिया। सवेरे सवेरे बक्सा लेकर कहाँ जा रही हैं भी? सब खैरियत तो है? तो बोली, यहाँ किसी की खैर नहीं, मैं जा रही हूँ। अब यहाँ औलादे थोड़े रहेंगी, नमाजी रहेंगे नमाजी। बड़े भाई साहब तो जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। तो तुमने पूछा नहीं इस वक्त कहाँ जाओगी? पूछा, जाओगी कहाँ? तुनक्कर बोली, तुमसे मतलब? तुम लौंडी हो, तुम लौंडी की तरह रहो। मैं गरीब लौंडी, खामोश हो गई। इतने में साइस को आवाज दी, शामत आई थी उसकी, सामने पड़ गया उनके, बोली बग्गी लाओ, मैं अभी जाऊंगी। गरीब ने सवाल पूछ लिया, बीबी कहाँ जाएंगी? नवाब साहब का तो मस्जिद जाने का वक्त हो रहा है, मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा? पता है क्या बोली? मस्जिद मस्जिद मस्जिद, अब यहाँ घोड़े भी नमाज पढ़ेंगे। साइस ने कहा, भी ऐसा नहीं कहते, मालूम है भी क्या किया? चाबुक उठाया और बोली, निगोड़े चलता है कि दौड़ धर दूं तेरे को इसी से दो चार। बग्गी वाला गद्दी पर, बी बग्गी के अंदर, बग्गी ये जा वो जा। हाय रब्बा, हाय खुदाया, आपा तुम तो मरवाओगी मुझे, अब मैं खाला को क्या जवाब दूंगी? हे अल्लाह मेरी मदद कर। खाला खाला, हाँ? डोली लगवा दीजिए, अब चलती हूँ। डोली लगवा दीजिए? अरे ऐसी क्या भागड़ मची है, नईमा को उठ जाने दो, नाश्ता वास्ता कर लो फिर चली जाना। आपा तो चली भी गई। कब? मुझसे मिले बगैर ही चली गई? जिस वक्त आप और मैं बातें कर रहे थे ना, वो उस वक्त चली गई। ऐसी चुपके से चली गई कि मैंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। वो तो मुझसे भी मिलकर नहीं गई। सालेहा, देखा तुमने इस लड़की का गुस्सा? तुम उसके साथ सर मारती रही और उसका असर ये हुआ कि बेमिले ही चली गई। अगर मैं उसकी बातों पर जाऊं ना तो जीते जी उसकी सूरत ना देखूं। लेकिन क्या करूं, ये दिल कमबख्त नहीं मानता। अपने इस मिजाज की बदौलत उसने अपनी क्या हालत कर ली है, उसको जरा ख्याल नहीं है। मालूम नहीं सालेहा इस लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। खाला इस तरह रंज ना कीजिए, अपने आप को संभालिए, इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता सब दुरुस्त हो जाएगा। उधर रसूलन ने खत तो कलीम को पहुंचा दिया, मगर कलीम खत पढ़कर जरा भी मुतासिर ना हुआ और खत को तकिए के नीचे रखकर अपनी ला यानी मशाकिल में मसरूफ हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए, आप सभी का इस्तकबाल है मेरी इशरत मंजिल में, वहीं बैठकर आराम से अपनी शेरो शायरी की महफिल सजाएंगे। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है, इशरत मंजिल, आपकी तो हर बात एक गजल है। आइए फिर चले महफिल सजाएं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, आइए आइए जनाब, आप भी आइए। माशाल्लाह घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। अरे जनाब आइए ना, आप आइए। भाई नवाबजादा कलीम मियां, हम आपके घर हाजिर हुए हैं आपके दौलत कदे पे, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा कलाम सुने, तो आप जो हैं अपनी ताज़ा गज़ल से हमें नवाजें। नहीं नहीं, आप लोग मेहमान हैं, पहले मिर्ज़ा साहब शुरू करें। अरे कलीम साहब, आप जैसा आप साहिब खाना की हैसियत रखते हैं, इसलिए आपका हक बनता है कि आप जो हैं चलिए कलाम से महफिल का आगाज करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी आप लोगों की मर्जी। जी भाई, मैंने एक ताज़ा गज़ल कही है जी, उसके चंद अशआर पेश करता हूँ। तो मुलाज़ा फरमाएं। जी, तुझसे बिछड़ के जी का जिया कम नहीं हुआ। वाह वाह, क्या मिसरा है भाई, जी का जिया कम नहीं हुआ। तुझसे बिछड़ के जी का जिया कम नहीं हुआ। वाह वाह वाह, कुछ बढ़ गया है दर्द यहाँ कम नहीं हुआ। क्या मतलब है, मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर मुकर्रर। तुझसे बिछड़ के जी का जिया कम नहीं हुआ, कुछ बढ़ गया है दर्द निहा कम नहीं हुआ। वाह वाह वाह, और आगे सुनिए, आगे अमानतों का कड़ा एहतसाब है, आगे आगे अमानतों का कड़ा एहतसाब है,
मरकर भी सर से बारे गिरा कम नहीं हुआ। बिल्कुल क्या शेर कहा है मुकर्रर इरशाद। आगे सुनिए जनाब, अपनी बिसात रूह मैं कैसे समेट लूं, अपनी अपनी बिसात रूह मैं कैसे समेट लूं, देखो अभी तो कारे जहां कम नहीं हुआ। बहुत खूब, हर सू चिराग तूर जलाए कलीम ने। वाह, हर सू चिराग तूर जलाए कलीम ने, हर सू चिराग तूर जलाए कलीम ने, लेकिन फरेबे हुस्ने बुता कम नहीं हुआ। भाई वाह कलीम, क्या शेर कहा है आपने, वो फौजी खुश कर दिया। अशोक राज साहब, आप दरखास्त है कि चंद अशार से हमें नवाजें। जी हाँ जी हाँ जी, पूरी तैयारी से आए हूँ तो। बिल्कुल जी, कलीम साहब के घर आए। मतलब मलाजा फरमाइए जी। इरशाद, तलखिये गर्दिशे हालात भली लगती है। वाह क्या मिसरा है, तलखिये गर्दिशे हालात भली लगती है, तलखिये गर्दिशे हालात भली लगती है, आपकी चश्मे इनायात भली लगती है। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इनायात भली लगती है। मुकर्रर इरशाद मुकर्रर जी, तलखिये गर्दिशे हालात भली लगती है। वाह, आपकी चश्मे इनायात भली। भाई वाह, जवाब नहीं, आपकी चश्मे इनायात भली लगती है। बाज औकात अंधेरे भी जिया देते हैं। बाज औकात अंधेरे, क्या बात कही है, बिल्कुल नई बात कही आपने, अंधेरे भी जिया देते हैं। तुम हो पहलू में तो फिर रात भली लगती है, पहलू में तो फिर रात भली लगती है। मिर्जा साहब, आप भी चंद अशआर अर्ज किया है। जी जी, जी। इरशाद, कितने सच्चे प्यार के बंधन। वाह, कितने सच्चे प्यार के बंधन। वाह वाह वाह, कितने सच्चे प्यार के बंधन तोड़ सके ना अहले ज़मन। वाह, तोड़ सके ना अहले ज़मन, कितने सच्चे प्यार के बंधन तोड़ सके ना अहले ज़मन, उसके गम में फूट बही है। वाह, उसके गम में फूट बही है, उसके गम में फूट बही है, आंखें हैं या गंगो जवान। वाह भाई वाह, बहुत भाई वाह, क्या बात है, वाह बहुत खूब, क्या बात। मुकर्रर मुकर्रर, उसके गम में फूट बही है, उसके गम में फूट बही है, आंखें हैं या गंगो जवान। वाह 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 वाह, जाने किसको याद करे है, जाने किसको याद करे है, जाने किसको याद करे है, चुपके चुपके दिल की धड़कन। वाह चुपके चुपके दिल की धड़कन, क्या तगज़ुल है। वाह 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 वाह, तुझसे बिछड़ के पाते भी क्या। वाह वाह, तुझसे बिछड़ के पाते भी क्या, तुझसे बिछड़ के पाते भी क्या, आंसू रोले भर भर दामन। आंसू रोले भर भर दामन, भाई जवाब नहीं। वाह 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 वाह, मेरे आंसू जज्ब न करना, मेरे आंसू जज्ब न करना, मेरे आंसू जज्ब न करना, जल जाएगा आपका दामन। वाह 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 वाह, आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। तन्हा सफर से साथी बेहतर। वाह, तन्हा सफर, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, तन्हा सफर से साथी बेहतर, तन्हा सफर से साथी बेहतर, दोस्त नहीं तो कोई दुश्मन। अच्छा बंदा भी चंद अशआर। हाँ जी हाँ जी, सुनाइए, सबको इंतजार है आपका। जी जी, मतलब अर्ज किया है कि कोई साया न शजर याद आया, कोई साया न शजर याद आया, थक गए पाँव तो घर याद आया, और खिल उठे फूल से सहराओं में, खिल उठे फूल से सहराओं में, खिल उठे फूल से सहराओं में, फिर वो फिरदौसे नजर याद आया। क्या कह रहे सुभान अल्लाह, खिल उठे फूल से सहराओं में, खिल उठे फूल से सहराओं में, फिर वो फिरदौसे नजर याद आया। और ये शेर बतौर खास मुलायजा फरमाए,
फिर वो फिरदौस से नजर याद आया और फिर मेरे पाँव में जंजीर पड़ी, फिर मेरे पाँव में जंजीर पड़ी, फिर मेरे पाँव में जंजीर पड़ी, फिर तेरा हुक्म सफर याद आया, फिर तेरा हुक्म सफर याद आया, फिर मेरे पाँव में जंजीर पड़ी, फिर तेरा हुक्म सफर याद आया, और सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, नखले बेबरगो समर याद आया, सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया, नखले बेबरगो समर याद आया, और लाख चाहा था कि वो चश्मे गजाल, लाख चाहा था कि वो चश्मे गजाल, फिर ना याद आए मगर याद आया, मगर याद आया, फिर ना याद आए मगर याद आया। और मक्ता अर्ज किया है कि मरसिया मरसिया दिन का लिखा था राशिद, मरसिया दिन का लिखा था राशिद, शम में उनवाने सहर याद आया, कोई साया न शजर याद आया, थक गए पाँव तो घर याद आया, थक गए पाँव बहुत बहुत वाह वाह वाह, सना बांध दिया आपने, वाह 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 भाई कलीमिया, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, जैसा शेर कहा वैसे ही पाया, घर याद आया, घर याद आया, हमें कोई जरूरी काम है, बिल्कुल तो मैं जाना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह पहले कह दिया घर याद आया, मुलाकात हो, रुक नहीं सकता आप, बहुत अच्छी महफिल रही है। अब कलीम की उम्मीदों का मरकज मिर्जा जाहिरदार बेग थे, जिसके दिखावे नामो नमूद और लच्छेदार बातों ने उसे ऐसा फरेब में मुब्तला कर रखा था कि वो उसको अपने माँ बाप बहन भाइयों और अपने तमाम अजीज व अकारिब से बढ़कर अजीज समझने लगा था। आइए आइए मिर्जा साहब चलिए। अरे मिर्जा साहब, आपसे तो समझ लीजिए अब ऐसा ताल्लुक हो गया है कि दिल बाग बाग हो जाता है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब तो मुलाकातों पे मुलाकातें होती रहेंगी, होती रहेंगी, और महफिलों पे महफिलें सजती रहेंगी। बस आपसे एक शेर और सुनने की चाहत है। हाँ हाँ मिर्जा साहब, लीजिए लीजिए सुनिए, अभी ताजा तरीन शेर है, है उनकी आंखों पर, तो सुनिए। सरहदे होश से गुजरता हूँ, डूबता हूँ कभी उभरता हूँ, सरहदे होश से गुजरता हूँ, डूबता हूँ कभी उभरता हूँ, और देखकर तेरी मत भरी आंखें मैं खुद अपनी तलाश करता हूँ। वाह भाई वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, क्या नाजो ख्याली है और क्या खूब अदायगी कलीमिया, तजमीन में गिरा खूब लगाते हैं और बंदिश बंदिश भी खासी होती है, मसनवी तो खैर मगर रुबाई रुबाई आपकी लाजवाब होती है, मक्ते में तखल्लुस का निबाह तो मुताखिरीन में मोमिन मरहूम में देखा था, या माशाल्लाह माशाल्लाह मियां कलीम में सराय लफ्जी के इतने इल्तजाम पर बेसख्तगी की अदा काबिल आफरी है, चश्मे बद्दूर चश्मे बद्दूर। अरे मिर्जा साहब, ये सब आपका हुस्न जन है। ना 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 ना, ये महज हुस्न जन नहीं है मियां, आखिर को हम भी साहिब प्रेसिडेंट के अर्दली के जमादार मिर्जा तकदीर के वारिस है, और हमारी ये पारखी निगाहें आपको आफ्ताब और महताब से भी ज्यादा रोशन देख रही हैं। क्या कहा मिर्जा तकदीर, जिनकी महल सरा शहर के वस्त में है और जिन्होंने हाल ही में दुनिया से पर्दा फरमाया है। हाँ। माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बाबत ज्यादा इल्म ना हो सका। ये तो आपकी जरा नवाजी है मिर्जा साहब, जो आपने हमारी इशरत मंजिल को रौनक बख्शी और हमारी तुक बंदियों पर हौसला अफजाई की। मैंने सुना है मिर्जा साहब काफी असासा मालो दौलत और जमीनों जायदाद तरके में छोड़ गए हैं। अजी छोड़िए इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है, आइए एक एक बाजी शतरंज की हो जाए। अरे मिर्जा साहब, मेरे मुंह में खाक जो झूठ बोलूं, आपसे ताल्लुक अब इस तरह का हो गया है कि बस मैं आपको अपना माँ बाप भाई बहन खैशो अकारी से बढ़कर अपना अजीज दोस्त मानता हूँ। आइए आइए एक एक बाजी हो जाए शतरंज, चलिए चलिए आइए। जबकि जाहिरदार बेग की हकीकत ये थी कि शायद उसके नाना वो भी हकीकी नहीं, अमलदारी सरकार की इब्तिदा में साहिब रेजिडेंट के अर्दली के जमादार थे। मिर्जा की माँ अवाइल उम्र में ही बेवा हो गई थी। जमादार ने बावजूद के उसकी दूर की कराबत थी, हजबत लिल्लाह उसकी किफारत अपने जिम्मे ले ली।
मगर मिर्जा की शेखी और नामो नमूद का ये हाल था कि वो दूसरों पर खुद को जमादार का वारिस जाहिर करता था, जबकि जमादार के वो रसा उसको जरा भी मुंह न लगाते थे। ऊंची हैसियत के लोगों में उठना बैठना उसके हक में और भी जबू था। صدق اللہ العظیم ہاں کہیے بیگم 20 سالے آ گئیں کب کی اب تو پہنچ بھی گئی ہوں گی और ये दूसरी बग्गी किसकी थी आपकी बड़ी साहबजादी की मानकर गई या बिगड़कर कुछ मानकर कुछ बिगड़कर क्यों इसके क्या माने सालेहा ने खुदा उसे जजाए खैर दे बहुत कुछ समझाया खैर उसके कहने सुनने से उन्होंने अपना कहरी रोजा इफ्तार किया बच्चे को दूध पिलाया ये था मानना बिगड़ना ये कि सुबह को बे मिले बे रुखसत हुए बग्गी में बैठी चल दी खैर खुदा ने इनसे सुबकदोष किया अब वो साहबजादे वो कहाँ हैं कहाँ गायब हो गए मगरिब के बाद से बराबर मेरे पास ही बैठे थे मैं उनको समझाती रही फिर वो आपका खत आया उसे पढ़ा इतने में सालेहा आ गई मैं उससे बातें करने लगी फिर लोगों को खाना दिया दिलाया इसमें पहर डेढ़ पहर रात गुजर गई अब जो सोने को गई तो देखा मकान खाली पड़ा है कलीम ने घर से निकल जाने की एक आदत सी बना ली थी जरा जरा सी बात पर वो घर से निकल जाया करता था शुरू शुरू में नौकरों के बुलाने से ही आ जाया करता था नाराजगी अगर ज्यादा होती तो बाप जाकर अपने साहबजादे बुलंद इकबाल को मना लाते थे अल्हम्दुलिल्लाह खसकम जहां पाक ये नालायक जिस तरह से मेरे साथ पेश आया है नईमा ने तो तुम्हारे साथ उसका दसवां हिस्सा भी नहीं किया होगा तुमने उसकी किताबों में या बिस्तर में देखा है कुछ लिखकर तो नहीं किया ये बात तो मेरे मगज में गुजरी ही नहीं मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कहीं लिख कर गया होगा अगर उसे लिखना ही मंजूर होता तो वो आपके खत का जवाब जरूर देता उसके नफ्से सरकश ने उसको मुझ तक पहुंचने नहीं दिया वरना मैं तो उसको समझाता ही एक काम करता हूं एहतियातन मैं जाकर देखता हूं अगर कुछ लिख कर गया हो तुम ऐसा करो नत्थु को मेरे पीछे भेज देना अच्छा ठीक है बेदारा नथु खां को बुलवा भेजो नवाब साहब को कुछ बात करनी है कलीम ने अपना असबाब रखा कहां है जी ऊपर की तरफ नीचे जाके दो कमरे उन्होंने गुपचुप में ले रखे हैं इतना छुपा करके जी चलो दिखाओ आइए जी जो है कलीम ने ये सब हमसे छुपा के किया तौबा इतनी दौलते खुदा था इस बेहुदा नुमाइश और ये तकल्लुफो आराइश में जाय की गई लाहौल बिला कुवत क्या ही अच्छा होता है ये रुपया गरीबों और मोहताजों की इमदाद में खर्च किया जाता या अल्लाह चलो
कलीम मियां की आरामगाह इशरत मंजिल देखकर नवाब नसूह के होश उड़ गए। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि घर में बिगाड़ इस हद तक सरायत कर चुका है कि उनकी औलाद उनके घर में उनकी लाइल्मी में एक ऐसी दुनिया बसाए बैठी है जो खुदा की नाफरमानी बगावत और सरकशी पर मबली है। इशरत मंजिल और खिलवत खाना की रानाइयाँ फजूल खर्चियाँ और जीना ताराइयाँ देखकर नसूह का ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। किताबें ऐसी कि जिन्हें देखना तो दरकिनार, शरीफ इंसान उसे हाथ लगाना भी पसंद न करे। मिर्ज़ा नसूह ने नहायत उजलत के साथ शायरी हज़लियात रक़्स व मौसीकी की किताबें फ़र्श व फ़रूश शतरंज गंजीफा और ताश की गड्डियाँ वगैरह सबको सहन खाना में रख कर आग लगा दी। इधर नसूह के सहन में आग के शोले बुलंद हो रहे थे तो उधर नसूह के दिल में गम व गुस्से के शोले लपक रहे थे। कलीम को यह सब करना था, जला दो सब अय्याशी का सामान, लाहौल जला को बन। क्यों, जिस पर्चे की जुस्तजू थी मिला? नहीं, पर्चा तो नहीं मिला, हाँ लेकिन मतलब हासिल हो गया। वो क्या? अरे भाई, खिलवत खाना देखा, इशरत मंजिल देखी और किताब खाने की सैर की। खिलवत खाना, इशरत मंजिल, अरे क्या वाह, तुम तो कुछ मुझसे भी ज्यादा बेखबर हो। अरे तुम्हें आज तक ये नहीं मालूम कि आपके साहबजादा बुलंद इकबाल ने अपने लिए दो दो कमरे खास कर रखे हैं? इतनी बात तो मैं जानती हूँ कि कलीम ने दो कमरे ले रखे हैं, लेकिन खिलवत खाना और इशरत मंजिल ये तो आज ही सुन रही हूँ। और कोई बताता था कि आपने गुस्से में दीवान खाने में आग लगा दी? अगरचे वो मकान जिनमें वहशियों के काम होते हैं इसी काबिल है, लेकिन मैंने मकान में तो आग लगाई नहीं। हाँ, वो चंद किताबें थी जिनको मैंने बेहुदा समझकर जला दी। किताबें जला दी, चलो ठीक है। मैंने सुना है कि कागजों का जलाना गुनाह है, ना कि किताबों का। लोग कहीं जरा सा पर्चा भी पढ़ा पाते हैं तो उसे उठाकर आंखों से लगाते हैं। हाँ तुम सच कहती हो, लेकिन मेरी नजर में ये ज्यादती है। भाई कागज भी कपड़े की तरह बेजान चीज है। हाँ, वो किताबें जिनमें दीनदारी और खुदा परस्ती का बयान होता है अलबत्ता तारीफ के काबिल है, अदब के काबिल है, लेकिन मैंने जो किताबें जलाई वो बेहयाई और झूठ से भरी हुई थी। अल्लाह, किताबों में भी ऐसी बुरी बुरी बातें होती हैं? क्यों, किताबें भी आदमी बनाता है और आदमी ही तमाम दुनिया में बदी और नाफरमानी फैलाता है। क्या तुम शेरो शायरी के नाम से वाकिफ नहीं हो? अरे वाकिफ क्यों नहीं, किताबों में अक्सर शेर होते हैं, लेकिन उनमें तो कोई ऐसी बुरी बात देखने में नहीं आई। और सुनती हूँ अपने कलीम को भी शेर कहने का बड़ा शौक है। देखो शायरी अपनी जात से बुरी चीज नहीं, बल्कि जबानदानी की उम्दा लियाकत का नाम शायरी है। लेकिन लोगों ने एक आम दस्तूर करार दे रखा है कि इस लियाकत को वो बुरे और बेहुदा ख्यालात में सर्व करते हैं। क्या तुमको अपना गुलिस्ता पढ़ना याद नहीं? एलो, क्यों नहीं याद? जिस दिन हमीदा का दूध छुड़ाया है उसके अगले दिन से मैंने गुलिस्ता पढ़नी शुरू की थी। तो भला तुम्हें ये भी याद होगा कि मैं तुम्हारे सबक से आगे जाकर सफाही के सफे सादे कागज लगाकर छुपाता था? हाँ हाँ याद है, इस तरह चौथाई किताब से कम न कटी होगी। अरे वो तो तुम पढ़ती थी इसलिए चौथाई कटी, कोई दूसरी औरत या लड़की पढ़ती तो मैं आधी की खबर लेता। वो क्यों? अरे वो तमाम बेहुदा बातें थी जिन्हें मैं काटता और छुपाता फिरता था। अरे सच कहो, मैं तो समझती थी कि मुश्किल जानकर छुड़वा देते हैं। कलीम घर से निकला तो मिर्जा जाहिरदार बेग की महलसरा समझकर जमादार की महलसरा पर जाकर रुका।
मगर वहां उसे बड़ी बेरुखी का सामना करना पड़ा और खादमाओं की तलख तुर्श बातें सुननी पड़ी। उसकी बेचारगी देखकर एक खादमा ने उससे पूछा कि तुम उस मिर्जा जाहिर बेग की बात तो नहीं कर रहे जो खुद को जमादार का वारिस कहता है? वो तो इस महलसरा के पीछे लकड़ियों की टाल के पास एक छोटी सी कोठरी में रहता है। कलीम चारों नाचार महलसरा के पहलू से होता हुआ टूटे फूटे और कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरता उस छोटे से मकान पर जा पहुंचा। मिर्जा साहब, ए मिर्जा साहब, जरा बाहर तशरीफ लाइए, हम आए हैं। अरे हम कौन? अरे मिर्जा साहब, आप मैं समझा कोई और साहब है। वो बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है ना, मैं जरा कपड़े पहनकर आऊं तो आपके हमरकाब चलूं? अरे चलने की क्या जरूरत है मिर्जा साहब, हम तो आपके पास ही हाजिर हुए हैं। अच्छा तो अगर 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 कुछ देर तशरीफ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं। मिर्जा साहब, कुछ देर की क्या बात है, आज की शाम हम आपके यहाँ ही ठहरेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आप इसी सामने वाले मस्जिद में तशरीफ रखिए, बड़ी 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 पुरफिला जगह है। मैं बस अभी आया। मस्जिद? इतना बड़ा महल सराय होते साथी इस छोटी सी मस्जिद में मुझे रुकने को कहा, अजीब बात है। कहाँ रह गए मिर्जा साहब? उफ़, कितनी वीरान जगह है। आदम ना आदम जात, आ जाओ मिर्जा साहब, जल्दी आ जाओ। अरे आइए आइए मिर्जा साहब, बहुत देर लगा दी, कितनी वीरान जगह है, डर के मारे मैं तो कांप रहा था। बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, इत्तेलाजी कल्ब का मर्द है। जब मैं आपके पास से गया तो उनको गशी में पाया, बस इसी वजह से देर हो गई। खैर, पहले आप ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की वजह क्या है? मिर्जा साहब, मेरे अब्बा जान मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, घर में तरह तरह के नए कानून निकालते हैं, अम्मी जान भी उन्हीं की तरफदारी करती हैं और मेरे दोनों भाई भी उन्हीं की मानते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ मिर्जा साहब, अब मेरी परेशानी का हल आप ही कीजिए। तो फिर अब क्या सोचा है? सोचना क्या है मिर्जा साहब, बस घर वापस लौट कर नहीं जाना है, बाकी आप जैसा मुनासिब समझे। खैर, नियते शब हराम, शुभ तो हो। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर बिछोना वगैरह भिजवा देता हूँ और मरीजा की तीमारदारी कर लेता हूँ। अरे मिर्जा साहब, ये क्या माजरा है? आप तो मुझसे कहा करते थे आपकी दोहरी महल सराय है, गंज है, हमाम है, दो पाए बाग है, ना जाने कितने दरख्त हैं जिन पर फल लगते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी इमारत नहीं छोड़ी थी जिसका तस्करा मुझसे नहीं किया हो। लेकिन आपकी खस्ता हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि एक आदमी के ठहराने के लिए भी आपके पास जगह में असर नहीं है। आपको मेरी निष्पक्ष सुखन साजी का अहतमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। आप इतने मुद्दत मेरी सोहबत में रहे, मगर अफसोस आप बंदे की आदत और तबीयत को पहचान ना सके। बंदे को जमादार साहब मरहूम मकफूर ने मुतमन्ना किया था और अपना जानशीन बनाया था। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने इसमें रखना अंदाजियां की। बंदे को तो आप जानते ही हैं कि बखेड़े से कोसों दूर भागता है, बस सूबते ना मुलायम देखकर किनारा कश हो गया। लेकिन मिर्जा साहब, आपने इस बात का तस्करा कभी नहीं किया। अगर मैं आपसे या किसी और से इस बात का तस्करा करता तो गैरत और हमीयत से बेनसीब ना ठहरता। खैर, आप खड़े खड़े थक गए होंगे,
बंदे को इजाजत दीजिए कि मैं जाकर बिछौना वगैरह भिजवा दूं और मरीजा की तीमारदारी करूं। मिर्जा साहब, मैं सुबह से भूखा हूं। सच? नहीं, झूठ बहकाते हो। आपकी कसम मिर्जा साहब, मैं बिल्कुल भूखा हूं। तो अल्लाह के बंदे, पहले क्यों नहीं कहा? पहले नहीं, रात गए, अब क्या हो सकता है? इस वक्त तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी और जो दो एक खुली होंगी उसमें भी सिर्फ बासी खाना मिलेगा, जिसको खाने से तो फाका बेहतर है। आज तो घर में आग भी नहीं सुलगी। अब तो एक ही तदबीर समझ में आती है कि जाकर छदामी भड़बूजे के यहां से गर्मा गर्म चने की दाल बनवा के ले आओ। बस एक ढेले की हम दोनों के लिए काफी रहेगी। रात का वक्त है। चलिए, जैसी आपकी मर्जी, मैं आता हूं, लेकिन जल्दी आइएगा। कहाँ रह गए मिर्जा साहब? लगता है आज की रात भूखे ही रहना पड़ेगा। क्या करूं, इतनी वीरान जगह है। यार मियां, हो तुम खुशकिस्मत, किस्मत भाड़ मिल गया। जरा वल्ला हाथ लगा के देखो कैसे भुलस रहे हैं। इसकी सोंधी सोंधी खुशबू अजाब ही दिल फरेब है कि बस बयां नहीं हो सकता। बस एक ही बात का अफसोस है कि इस वक्त नमक मिर्च का इंतजाम नहीं हो सकता, नहीं तो मीर मद्दू के कबाबों में ऐसी खस्तगी और सोंधापन कहां। लो अपनी शाही दावत और शाही बिस्तर, मैं सुबह आता हूं। कलीम ने जो मस्जिद को देखा तो उसकी हालत और भी दिगरगूं हो गई। मस्जिद क्या थी? मस्जिद जरार की तरह वीरान, सहन मस्जिद था कि वीराना। न कोई हाफिज, न मौलाना, न मौजिन, न इमाम। आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए तौबतुन नसूह की अगली किस्त। ये तौबतुन नसूह है डिप्टी नजीर की। ये तौबतुन